टू जीरो यूट्यूब चैनल, दिस इज श्वेता केसवानी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आरआरबी पीओ 2024 की लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी। लास्ट 30 डेज में आपको क्या करना है, कौन कौन सी चीजों पे स्पेशल फोकस देना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और अभी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस है मेरी, वो ये है कि आप मेंस की प्रेपरेशन को साइड रख दीजिए, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आपको पूरा प्रीलिम्स रेडी होना है। आपको पता है कि प्रीलिम्स में इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, थोड़ी क्या ज्यादा ही हाई जाती है, 55-56, मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स 55-56 के कहीं के आसपास लाए करते हैं। कुछ कुछ स्टेट्स में 50 जाती है, वो भी बहुत कम स्टेट्स ऐसे होते हैं, ज्यादातर 55-56 और कुछ कुछ स्टेट्स 60 तक भी पहुंच जाते हैं। तो हमें ये कट ऑफ को सबसे पहले तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 55-60 होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वांट्स और रीजनिंग को बेसिक पूरा फोकस में रखना है। तो सबसे पहले आई वुड रेकमेंड कि एक मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है, एक मॉक टेस्ट लगाओ। और अब आपको डेली बेसिस या ऑल्टरनेट डेज बेसिस पे आपको मॉक्स लगाने हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे आपको लगाना है, क्या क्या एनालिसिस करना है, सब कुछ बताऊंगी मैं। तो आप जाके प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक लगा लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको लगा के एक बार चेक करो कि अभी आप कहां स्टैंड कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय करंट पोजीशन, मैं क्या अभी कौन कौन सी चीजें मुझे अभी भी थोड़ा सा ब्रश अप करने की जरूरत है और कौन कौन सी चीजों पे काम किया नहीं जा सकता है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं क्वांट्स की, क्वांट्स में आपको कैसे फोकस करना है। तो क्वांट्स का जो लेवल है आरआरबी पीओ का, आप जानते हो बहुत टफ होता है। यहाँ पे 17-18 क्वेश्चंस भी एवरेज में निकाल लेना ऑन एन एवरेज अच्छा माना जाता है कि 17-18 क्वेश्चंस हमारे हो गए। तो अब हमें किस तरीके से डेली ही, आपको मैं 10 दिन की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, अगर काम करे तो उसके बाद उसी को कंटिन्यू कर लेना, वरना आप उसको छोड़ के और मुझे बता देना कॉमेंट सेक्शन में, तो मैं एक और वीडियो ले आऊंगी। 10 दिन के लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपके 20 तक के टेबल्स हैं, 12 से 20 तक के, उनको डेली लिखना है। यस, लिखना है, रिवाइज नहीं करना है, इस बार लिखना है आपको। 30 तक के स्क्वायर्स आपको लिखने हैं, 20 तक के क्यूब्स लिखने हैं, और स्क्वायर्स जो है 100 तक के रैंडम बेसिस पे लिखते जाने हैं आपको, ठीक है। जैसे आपने 45 का लिख लिया और 34 का लिख लिया, ठीक है, इस तरीके से जो जो ट्रिक्स है ना अप टू 100 स्क्वायर्स की, उन ट्रिक्स को यूज करके रैंडम आपको दिमाग में जो नंबर आए उसके आपने स्क्वायर्स लिख लिए, ठीक है। इसके अलावा जो परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन है, इसके आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इसके जो सेट परसेंटेजेस है 1/3%, 1/3 होता है, ये सब नहीं आपको रिवाइज करना है, आपको उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। इसके क्वेश्चंस आप सिंप्लीफिकेशन में से मोस्टली आपको सिंप्लीफिकेशन मिल जाएंगे, अप्रोक्सीमेशन मिल जाएंगे, वहां से आप इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मेन फोकस आपको रखना है इन सारी चीजों पे, क्योंकि इसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपको फोकस कहाँ रखना है कि मुझे स्पीड कैसे बढ़े मुझे, और 10 दिन तक ये चीज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इन सारी चीजों से फर्क पड़ रहा है या नहीं, वरना मुझे बताना कि पढ़ा कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस है, उसमें आपको ये देखना है कि सारे क्वेश्चंस आपसे वैसे भी नहीं बनेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत टिपिकल आते हैं। तो मन में ये मिथ नहीं बनानी है कोई भी मॉक टेस्ट करते हुए कि ये क्वेश्चन तो टफ ही होगा क्योंकि ये अर्थमेटिक का है। नहीं, अर्थमेटिक के कुछ कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं, तो उनको सॉल्व करना है, देख के समझ में आना चाहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि ठीक है ये वाला क्वेश्चन मुझ पे बन जाएगा। दूसरी चीज, मॉक्स लगाने से ज्यादा फोकस करना है क्विजेस लगाने पे। फ्री क्विजेस हर कहीं अवेलेबल है, प्रैक्टिस मॉक पे भी देखोगे वहां पे भी मिल जाएंगे, और भी कई सारे एप्स है वहां पे आपको फ्री क्विजेस मिल जाएंगे। वहां जितने ज्यादा फ्री क्विजेस लगा सकते हो, इट विल अल्टीमेटली लाइक अल्टीमेट स्पीड आपकी जो बढ़ेगी ना, वो बहुत बड़े अच्छे लेवल पे बढ़ेगी। तो क्विजेस आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, ठीक है। और डीआई के जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको सॉल्व करने इस मेथड के साथ कि मैं किस तरीके से कैलकुलेशन जल्दी कर सकूं, ठीक है। जो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हो गए उसमें, क्योंकि डीआई में आपके ज्यादातर परसेंटेज रेशियो ये सब आते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है, कि रीजनिंग इसका इजी होता है, ऐसे अंडरस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि इसमें कई सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम क्योंकि अंडरस्टिमेट कर लेते हैं तो उसमें सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। दूसरी चीज, ओवर एस्टिमेट
हेजिटेट भी नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन को देख के एक से बिल्कुल डरना नहीं है कि ये नहीं बनेगा, नहीं, गिव इट सम टाइम, 10 to 15 seconds दो और उसको तरीके से पढ़ो, जल्दबाजी में नहीं कि टाइम जा रहा है टाइम जा रहा है, नहीं, जो 10-15 सेकंड दोगे उस पर्टिकुलर पजल को पढ़ने में, उसमें आपको यही सोचना है कि क्या मुझे ये बनेगा या नहीं बनेगा 15 सेकंड बाद। अगर बन जाता है तो उठा लो, नहीं बनता है तो रख दो उसको, लेकिन सिर्फ सामने से देखकर जज नहीं करना है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी है तो मैंने छोड़ दिया। ज्यादातर लेंथी क्वेश्चन ही इजी होते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी रहती है, तो लेंथी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। दूसरी चीज, मन में प्रिजुडाइस नहीं क्रिएट करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन इजी होंगे, इस टाइप के टफ होंगे, नहीं, एग्जामिनर कौन सा भी ऐसा ऐसे ऐसे क्वेश्चन को वो इजी बना के दे देगा आपको, जो टॉपिक्स उसको पता है कि बच्चे छोड़ते हैं टफ समझ के, इसलिए आपको यहाँ पे दिमाग से काम लेना है, प्रिजुडाइस नहीं रखने हैं, तरीके से एग्जाम को देना है, और ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप मॉक्स दोगे, ठीक है। तो ऑल्टरनेट डेज पे मेरा ये मानना है कि आपको ऑल्टरनेट डेज पे एक एक मॉक लगाना है डेली का, और क्विजेस ज्यादा से ज्यादा देने हैं, स्पीड उसी से इंक्रीज होगी। मॉक्स में आपको अल्टीमेट पता चलेगा कि ठीक है मेरा पूरा क्या स्ट्रेटेजाइज में कर रहा हूं, कौन से क्वेश्चन पहले करने कौन से बाद में करने, लेकिन क्विजेस से ही आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो आई होप सारी चीजें मैंने कवर कर ली है, बाकी कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। अगर आपको ये 10 दिन तक आप ये काम करो, अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो भी बताना कमेंट सेक्शन में, नहीं बढ़ती है तो भी बताना, तो आई ब्रिंग समथिंग एल्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।